देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन क्या थी? ऐसी स्पीशीज जिन पर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट हो, मतलब जिस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो, वो क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल को शॉर्ट में हम NU- लिखते हैं। NU कहाँ से आया? कि यहाँ से ये NU आया। ठीक है, और NU यहाँ से आया, माइनस कैसे आया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियोफाइल पर क्या होती है? ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन ई पर कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज। ठीक है, तो यहाँ से ये माइनस आ गया। ठीक है, क्योंकि माइनस क्यों आए? क्योंकि इन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए NU माइनस। ठीक है, तो ये क्लासिफाइड किया गया है इनको। देखिए, फर्स्ट मैं कह सकती हूँ नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, जितने भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज हैं विद नो एक्सेप्शन, कोई भी इसमें एक्सेप्शन नहीं है, सारी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज हमारी क्या होती हैं? न्यूक्लियोफाइल होती हैं। जबकि इलेक्ट्रोफाइल जब हमने देखा था तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज क्या होती है? इलेक्ट्रोफाइल होती है, पर वहाँ कुछ एक्सेप्शंस थे, NH4+, H3O+, ये सारे मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे, Na+, K+, जिन्होंने नहीं देखा वो मेरे वीडियो में जाकर देखो। ठीक है, तो जितनी भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है विद नो एक्सेप्शंस, F- Cl- Br- OH-, ठीक है, ये सारी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज क्या होंगी हमारी? ठीक है, न्यूक्लियोफाइल होंगी। ठीक है, अब देखिए लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज, जितने भी लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज, यानी कि ऐसी स्पीशीज जिन पर लोन पेयर है, H2O ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, NH3 नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, PH3 फॉस्फोरस पर लोन पेयर है। ठीक है, तो जितने भी लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज जिन पर लोन पेयर हैं वो स्पीशीज क्या कहलाएंगी? न्यूक्लियोफाइल कहलाएंगी, क्योंकि वो जो लोन पेयर है उनको इजीली किसी को ये डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब भी क्या होता है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा। और लोन पेयर का मतलब भी क्या होता है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा। और हमारे न्यूक्लियोफाइल की भी यही डेफिनेशन थी कि मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ पर होती है वहाँ वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। तो इन पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, देखिए। ठीक है, H2S भी कह सकते हैं, सल्फर पर दो लोन पेयर। ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे किसके हैं? न्यूक्लियोफाइल के। ठीक है, थर्ड पे आते हैं हम, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। सबसे पहली चीज़ तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक क्या होता है? देखिए, ऑर्गेनो मीन्स ऑर्गन, ऑर्गेनिक। ठीक है, और मेटल, मेटलिक मीन्स मेटल, मेटल जानते हैं, धातु, मेटल। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहले ही पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो यानी कि कार्बन, ऑर्गेनो मीन्स कार्बन, मेटलिक मीन्स मेटल, धातु, मेटल। ठीक है, जितनी भी मेटल है हमारी, चाहे एल्कलाइन मेटल हो, चाहे एल्कलाइन अर्थ मेटल हो, वो सारी मेटल्स। ठीक है, तो ऐसी स्पीशीज जिनमें कार्बन जो है वो मेटल से अटैच हो सीधा, वो कौन सी रिएजेंट कहलाते हैं? कौन सी स्पीशीज कहलाते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक। ठीक है, तो इसमें कार्बन मेटल से अटैच्ड स्पीशीज क्या कहलाएगी? ऑर्गेनोमेटेलिक स्पीशीज या ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। अब देखिए एग्जाम्पल्स में अगर दूं, बहुत ही फेमस एक एग्जाम्पल है, वेल नोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMGX। R जानते ही हो, कुछ भी ले सकते हैं, एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ले सकते हैं इसकी जगह, एथाइल ले सकते हैं, CH3, C2H5 कुछ भी ले सकते हैं, X हेलोजन है, FCl, Br, I कुछ भी ले सकते हैं। तो RMGX इसका नाम है, बहुत ही कॉमन नेम है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सभी जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा, इसमें देखना जो Mg वो है मेटल है, और R क्या है हमारा? ऑर्गेनिक कार्बन है। R का, R में क्या होता है? मिथाइल, इथाइल, वो किस, उसमें क्या होता है? कार्बन होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट हो गए। ठीक है, अब देखिए इसमें हम जानते हैं Mg पॉजिटिव है और R क्या है? नेगेटिव होता है, सब जानते हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव है तो यहाँ क्या बन गया तुम्हारा? ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। ठीक है, और ये क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल है क्या? नहीं, मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि Mg इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, Na+, K+, Mg+2 ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होती, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव जरूर है। ठीक है, पर इलेक्ट्रोफाइल नहीं, मैं वहाँ बता चुकी हूँ कि क्यों इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, उसका पूरा मैं डिस्क्रिप्शन दे चुकी हूँ। ठीक है, तो अब नहीं बताऊंगी। RMGX देखिए, R2CuLi, इसका भी नेम है, एक कॉमन नेम है, बता सकते हैं क्या नेम है? जिलमांस रिएजेंट, जिलमांस रिएजेंट। ठीक है, इसमें भी R कॉपर से जुड़ा हुआ है, कॉपर भी क्या है हमारी? मेटल है। ठीक है, और देखिए एग्जांपल RLi, एल्किल लिथियम।
ठीक है। और देखिए एग्जांपल, R2CD, R मतलब कार्बन, कैडमियम से जुड़ा हुआ है, कैडमियम हमारा मेटल होता है। और देखिए R2ZN, इसका भी एक नेम है, कॉमन नेम फ्रैंक लैंड रिएजेंट, ठीक है। इसमें भी R क्या है, मेटल से अटैच है डायरेक्टली, ठीक है। ये सारे हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है, और इनमें R क्या होता है तो हमारा माइनस होता है, ठीक है। इस वजह से ये क्या बन जाते हैं, न्यूक्लियोफाइल बन जाते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इधर वाले ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखिए, तीन हमें समझ में आ गए, फर्स्ट नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, सेकंड लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज, थर्ड है हमारी ऑर्गेनो मेटेलिक रिएजेंट, ये सारे हमारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं। अब फोर्थ देखिए इलाइड, ये इलाइड क्या होता है पहले तो ये समझो, ठीक है। ये इलाइड क्या है, इलाइड जिसमें कार्बन सीधा, जिसमें कार्बन नेगेटिव हो और सीधे नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर जैसे नॉन मेटेलिक एलिमेंट से जुड़े हुए हों, ठीक है। जैसे देखिए मैं एग्जांपल दूं आपको, CH2 - S double bond O Me2+। इसमें देखिए कि कार्बन नेगेटिव है, ठीक है, और किससे जुड़ा हुआ है, सल्फर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये एलाइड हो गया, ठीक है। और एग्जांपल देखिए, फॉस्फोरस का एलाइड का एग्जांपल दूं, CH2-, ये देखिए ये फॉस्फोरस का एलाइड का एग्जांपल है, सल्फर का और एग्जांपल देखो एलाइड का, सॉरी, ठीक है। तो ऐसी स्पीशीज जिसमें कार्बन नेगेटिव हो और नाइट्रोजन सल्फर फॉस्फोरस जैसी स्पीशीज से जुड़ा हुआ हो, जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो, तो ये सारी स्पीशीज इलाइड कहलाती है। बहुत ही कॉमन एक नेम रिएक्शन है हमारी, विटिंग रिएक्शन, जिसमें इलाइड हमारा काम में आता है, ठीक है। विटिंग रिएक्शन में हम इलाइड को रिएजेंट के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इलाइड हमारे क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स है, क्या है इलाइड्स हमारे, न्यूक्लियोफाइल। अब लास्ट एग्जाम्पल देखो, पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल, ठीक है। पाई बॉन्ड सब जानते हैं, ठीक है, क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल मैं बता दूं, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, ये सारे क्या हैं हमारे, न्यूक्लियोफाइल हैं। कैसे हैं, एल्कीन को अगर मैं देखती हूँ तो क्या होता है, CH2 double bond CH2, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये हमारा पाई बॉन्ड है। हम जानते हैं कि पाई बॉन्ड लोन पेयर के जैसे ही होते हैं, हालांकि लोन पेयर जो होता है वो किसी बॉन्ड से बंधा हुआ नहीं होता, लेकिन पाई बॉन्ड बंधे हुए तो हैं, लेकिन ये भी लूजली हेल्ड होते हैं, मतलब ढीले बंधे हुए होते हैं, तो इजीली कहीं भी जाने को ये तैयार रहते हैं, ठीक है। तो फटाफट से किसी के पास चले जाएंगे और वो क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव का मतलब न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो हमने देखा होगा, हमने देखा था एल्कीन पर, एल्काइन पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत ही इजीली संपन्न होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक यानी कि इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर देता है, क्योंकि क्या बन जाते हैं, न्यूक्लियोफाइल बन जाते हैं। न्यूक्लियोफाइल पर कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल करेगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है बेंजीन, इसका हमने देखा होगा, बेंजीन पे हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल पर किसका अटैक होगा, इलेक्ट्रोफाइल पर, और इलेक्ट्रोफाइल पर किसका अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। तो ये इन पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, क्योंकि ये क्या है, सारे न्यूक्लियोफाइल हैं। न्यूक्लियोफाइल क्यों है बता दिया था, क्योंकि पाई बॉन्ड हमारे क्या होते हैं, लूजली हेल्ड होते हैं, ढीले बंधे होने की वजह से कहीं भी इजीली ये चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे न्यूक्लियोफाइल के, ठीक है, जिसमें फर्स्ट हमारे नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, सेकंड लोन पेयर कंटेनिंग, ये दोनों क्यों आए, क्योंकि इन पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और जिन पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट और इलाइड्स में क्या डिफरेंस है बता सकते हैं मुझे, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट में कार्बन सीधा किससे जुड़ा हुआ है, मेटल से जुड़ा हुआ है, जब और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है और मेटल पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इलाइड में भी यही होता है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और पास वाली स्पीशीज पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, यहाँ पर मेटल से अटैच था जबकि यहाँ पर नॉन मेटल से अटैच है, ये सल्फर फॉस्फोरस जैसी स्पीशीज से अटैच है, ठीक है, जो नॉन मेटल है, दोनों में ये डिफरेंस है, बाकी ये दोनों न्यूक्लियोफाइल है,
ये देखिए नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल किस वजह से न्यूक्लियोफाइल है, पाई बॉन्ड के कारण लूजली हेल्ड है, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर था न्यूक्लियोफाइल का, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लुईस एसिड और इलेक्ट्रोफाइल में क्या डिफरेंस है, और लुईस बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस है।